मैं आ जाए। अरे वाह, हमको सीन करना ये वाला। माय लेडी, गाइज हेलो, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सो आज जो है मैं अपनी एक दोस्त से मिलने जा रही हूँ जिससे मैं बहुत दिनों से नहीं मिली, और उसके बाद अभी तक मेरे कोई नया कोई जैसे दोस्त बने भी नहीं है, क्योंकि ये मेरे 12th के दोस्त हैं। एंड 12th के बाद जो है मेरी तो खैर शादी हो गई थी। सो जो है उसी से मैं मिलने जा रही हूँ, और 2016 के बाद अभी जाके हम उससे मिलेंगे, तो मैं बहुत ज़्यादा वाला एक्साइटेड हूँ। और बीच में हमारी एक बार मुलाकात हुई थी जब नवाफ हुआ था, तब वो लोग आए थे हमारे घर पे एंड तब हम मिले थे, और आज मैं उसके घर जा रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ उससे मिलने के लिए। और उसका रिएक्शन भी देखना है कि उसको कैसा लगता है। वैसे ना मैं उसके बता चुकी हूँ कि हम आ रहे हैं, तो वो तो एक ऐसा नहीं होगा ना कि सरप्राइज वाला रिएक्शन तो नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है हम आ रहे हैं। बट फिर भी देखते हैं इतने दिन बाद मिलेंगे तो कैसा होता है, क्योंकि जब लास्ट टाइम वो हमारे घर आई थी ना, मेरा जो रिएक्शन था ना भाई, ओ माय गॉड वाला था, मतलब इतना भयंकर था, क्योंकि वो लोग आगे मुझे सरप्राइज कर दिए थे, मुझे पहले से वो लोग नहीं बताए थे कि वो लोग आ रहे हैं, और अचानक से आके मतलब ऐसा हुआ था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। और उस टाइम नवाब बहुत छोटा सा था, और जब वो लोग आया था मैं इतना मतलब इतना खुशी से चिल्ला रही थी कि नवाब डर चुका था, और वो डर से मेरे पास भी नहीं आ रहा था उस टाइम पे। और जो है आज मेरी नुहा भी हो गई है, तो नुहा भी पहली बार मिलेगी मेरी फ्रेंड से। नवाब तो मिला था बट उसको पता नहीं है, और वो अभी इस सोच में। और आज पता है नवाब ने अपना कपड़ा भी खुद ही से डिसाइड किया, उसको क्या पहनना है नहीं पहनना है। मैं उसे कुछ और पहना रही थी बट वो इतना मतलब जिद कर रहा था कि नहीं उसे वही पहनना है, उसके लिए वो इतना रोया, रोने के बाद उसको वही पहनना था, उसके अलावा कुछ पहनेगा ही नहीं। मैंने इतना कहा कि कुछ और पहना दूँ बट वो वही पहना। नवाब से हाय। कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो? बोलो मम्मी की फ्रेंड से मिलने, मोमो मौसी। बोलोगे ना मोमो मौसी से मिलने जा रहे हो? बोलो। थोड़ा पीछे हो, थोड़ा पीछे होके बैठो, पीछे होके बैठो, थोड़ा चोट लग जाएगा, पीछे होके बैठो। नुहा बेटी से हाय। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? बोलो खाला से मिलने जा रहे हैं। खाला से बोलो। काला। बोलो खाला से मिलने जा रहे हैं। खाला, खाला से मिलने जा रहे हैं। तो गाइज मैं वहाँ पे जाके उसका रिएक्शन दिखाऊंगी, और वहाँ पे जाके फिर हम लोग कंटिन्यू रखेंगे कि उसका क्या होता है नहीं होता है। सो मिलते हैं पहुँचने के बाद। बाय बाय। अभी हम लोग मस्तान चौक। नहीं मस्तान चौक नहीं, अभी सिंगिया चौक जा रहे हैं। सिंगिया चौक के बाद दाया मुड़ के लहरा चौक जाएंगे शायद, उसके बाद शायद मस्तान चौक आएगा। सो हम किशनगंज क्रॉस कर चुके हैं। कौन सा रास्ता में? सो गाइज फाइनली हम लोग पहुंच चुके, एंड ये रिएक्शन बहुत ही मस्त था, लेकिन हम यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं कर पाए क्योंकि नवाफ और नुहा दोनों सो रहा था, तो बहुत ही हम लोग धीरे धीरे बात किए एंड इसे पहले यहाँ से लेके गए, फिर हम गाइज हम पहुंच चुके हैं। अब हम मिलवाते हैं मेरी फ्रेंड से। मोमो आ जाओ। यो इधर से लाइट अच्छी आ रही है। हाँ तो ये है मामूनी, जिसको हम लोग प्यार से कहते हैं मोमो। तो हम लोग पूरे कितने दिन बाद मिल रहे हैं बोलो, और हम स्टार्ट भी किए थे ब्लॉग जब हम आ रहे थे गाड़ी में, तभी स्टार्ट किए थे, तभी हम बताए कि हम लोग कब मिले थे। उसके बाद बीच में हम लोग कब मिले, नवाब जब हुआ था तब मिले थे, उसके बाद सीधा हम लोग अभी जाके मिल रहे हैं। बहुत दिन हो गया, फिर भी बहुत दिन हो गया। 2021 में मिले थे शायद लास्ट। हाँ, अभी मिल रहे हैं। बाप रे बाप, लगा था वो कि हम लोग का दोस्ती इतना दिन तक चलेगा, आज का नहीं है मतलब हॉस्टल में आके नहीं लगा था बिल्कुल। पता है तुम लोग मेरे लास्ट फ्रेंड हो, उसके बाद अभी तक तो मेरे कोई नए दोस्त बने नहीं, क्योंकि 12th के बाद एक हम लोग मिस कर रहे हैं उसको, उससे हाँ, मिलेंगे देखिए एक साधु, तो हम लोग तीन मतलब बहुत, उससे भी जब मिलेंगे ना तो मैं उसका भी अलग से वीडियो बनाऊंगी, जब भी मिलेंगे बहुत मस्त बनेगा। सो हम लोग अभी अभी पहुंचे, अब खाना खाएंगे। हाँ अभी खाने लग गया तो चले मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बाय बाय। सो गाइज हमारा खाना वगैरह सब कुछ हो गया, उसके बाद हम निकले थोड़ा बाहर के तरफ, और मोमो हमें घुमा रही है उसका गांव, और गांव तो नहीं सो गांव से थोड़ा सा बाहर के तरफ, और हमें ऐसा चाहिए था कि थोड़ा सा हम लोग अकेले थोड़ा बातचीत भी करें, क्योंकि काफ़ी दिन बाद मिले हैं, पूरे के पूरे 8 साल बाद मिले हैं। बीच में एक बार मिले थे बट वो बहुत थोड़ा सा टाइम था, और तो अभी बातें करें अभी आस पास जगह हमें भी नहीं पता। अच्छा इस गाँव का नाम क्या है?
धनसोना फिर भूल जाते हम धनसोना कम नहीं है तुम्हारा गाँव का नाम ले रहे धनसोना नहीं नहीं ऐसा ना कि कोई अगर धनसोना से देखेगा तो वो भी सब्सक्राइब करेगा इसीलिए ऐसा है कि नेक्स्ट टाइम एक बार हम किशनगंज गए थे किशनगंज से सालकी की तरफ गए थे तो उधर जाने के बाद मेरा फेसबुक के पहला एक वीडियो था जो अच्छा खासा व्यू गया था जिसका तो गाइस हम लोग पहुंचते हैं कहां पहुंच के उसके बाद फिर यहां पे हम बातें करते करते पहुंच चुके थे खेतों के तरफ और यहां पे पहुंचने के बाद हम सोचे जब इतने दूर आ चुके हैं तो यहां पे एक रील शूट करते हैं तो वही करने की कोशिश कर रहे थे उतने में यहां पे दो लेडीज थी और कोई आदमी वगैरह थे तो वो लोग यहां पे जो है कुछ बातें करना स्टार्ट करते हमारे वीडियोज़ की वजह से कि हम वीडियोज़ बनाते हैं इसके मतलब बहुत सारे अलग अलग तरह के तो जिसकी वजह से थोड़ा सा ख़राब लग रहा था बट मैं उसे अपने तक आने नहीं दी क्योंकि मैं हमेशा से अपने आप को समझाते आ रही हूँ कि लोगों का मुंह है खैर वो तो बोलेगा ही कुछ भी बोलेगा तो इससे मुझे बुरा मानना ही नहीं है और ख़ुद को संभालते हुए फिर मैंने अपना वीडियो को भी कंटिन्यू रखा और मुझे जो जिस तरह का रील बनाना था मैंने वो भी बनाया और यहाँ पे वो आदमी थे जिसको मैं बस मेरा मन हो रहा था कि मैं इन लोगों को भी लूँ अच्छे से बट इतना हिम्मत नहीं था कि उन लोगों का मैं लूँ बट थोड़ा सा मैं ऐसे ले ली उसके बाद फिर हम आ गए घर मोमो का उसके बाद फिर हम यहाँ पे गाड़ी में बैठ के कुछ ऐसे बातें कर रहे थे और मोमो रील शूट कर रही थी तो उसी का रील बना रहे थे हम और मैं इधर बस अपना फ़ोन लगा दी थी ताकि मैं इस इन मूवमेंट्स को कैप्चर कर सकूं और यहाँ पे हमारी कुछ कुछ बातें हैं चले वो भी आपको सुनाते हैं तारीफ करिए गाइस मेरी हमारे मूवमेंट्स अच्छा अच्छा ऐसे करना भाई ठीक है कैसे बस छोटा सा ऐसे ऐसे क्लोज आ जाना ठीक है सिंपल वाला तुम आती नहीं हो ठीक है कुत्ता नहीं है एक किस नहीं कर सकते यहाँ पे बहुत गंदा बनाओ अच्छा था भाई बहुत प्यारा था ये तो डालेंगे हम मोमो को यहाँ पे नवाफ और नुमा के साथ वीडियो बनाना था कुछ मेरे साथ तो बहुत सारा बना ली थी और तो नवाफ यहाँ पे जो है नवाफ भी पूरा एकदम से मज़े से वीडियो बना रहा है और बहुत हंस रहा है बहुत ही उसको भी मज़ा आया उसके बाद फिर हम लोग थोड़ी देर में निकल पड़े वहाँ से और जो है वो चले अब हम चलते हैं घर और यहाँ पे बस हम लोग निकल रहे हैं और यहाँ पे टाटा बाय बाय कर रहे थे मोमो भी यहाँ पे बाय बाय कर रही थी और ये बाय बाय इतने दूर तक कीना हाथ ये कभी लग रहा था हाथ नीचे कर ही नहीं रही थी बहुत दूर जाने के बाद भी ये अपना हाथ ऐसे हिला रही थी उसके बाद जाके हम जो है थोड़ी दूर आके रुके क्योंकि नवाब को यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था थोड़ा सा रुकना पड़ा हमें और यहाँ पे मस्तान चौक के पास जो है मछली बहुत मिलती है छोटे छोटे मछली जिसे जो हम जो है छोटे मछली देसी मछली जिसे कहते हैं उसको बहुत पसंद है हम लोगों को सो वही मछली दादा लेने के लिए गए सो गाइस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे और मोमो बहुत अच्छा लगा थैंक यू फॉर एवरीथिंग बाय बाय